हेलो पीपल होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 107 सीआरपीसी के बारे में सेक्शन 107 सीआरपीसी हमें बताता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस 106 में हम लोगों ने क्या देखा कि कन्विक्शन के बेसिस पर सिक्योरिटी ली जा रही है अब यहां पर है अदर केसेस अब अदर केसेस क्या है पढ़ते हैं कि वेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन अब यहां पर क्या है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिवाइज करते चलो थोड़ा थोड़ा कि सेक्शन 106 में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ सेशन जज यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन और जेएमएफसी ही कन्विक करते हैं पर्सन को ऑफेंसेस के लिए जो कि सब सेक्शन टू में बताए हुए हैं लेकिन सेक्शन 107 में कौन सिर्फ कन्विक कर सकता है या किसको इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस कि कोई पर्सन है अभी उसने कमिट किया नहीं है लेकिन वो कमिट कर सकता है या करने वाला है ब्रीच ऑफ पीस ब्रीच ऑफ की शांति भंग कर सकता है डिस्टर्ब कर सकता है पब्लिक ट्रैंक्वालिटी को ट्रैंक्लिटी को और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट या फिर कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है दैट मे प्रोबली ओकेजन ब्रीच ऑफ पीस कोई भी या फिर वो ऐसा एक्ट करेगा जिससे जो है ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा या फिर ये पब्लिक ट्रैंक्लिटी है ये डिस्टर्ब हो जाएगी एंड इज ऑफ ओपिनियन किसका ओपिनियन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ओपिनियन दैट देर इज सफिशियंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग सब कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर डिपेंडेंट है कि अगर उन्हें लगता है कि ये हाँ भाई ठीक है सफिशियंट ग्राउंड है कोई सफिशियंट कॉज है प्रोसीडिंग के लिए तो ही मे ही में इन द मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड तो जैसे अब बताया गया है उस हिसाब से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करेंगे रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अब उस पर्सन को कहा जाएगा कि भाई तुम वजह बताओ तुम वजह बताओ कि तुम्हें जो है बॉन्ड तुमसे क्यों ना एग्जीक्यूट कराया जाए उस पर्सन से कहा जाएगा कि भाई तुम वजह बताओ कि तुमसे बॉन्ड क्यों ना एग्जीक्यूट कराया जाए विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर सेक्शन 107 में जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी तो क्या कहेगा तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कहेंगे कि भाई तुम रीजन बताओ कि तुम्हें क्यों तुमसे बॉन्ड ना एग्जीक्यूट कराया जाए और कितने पीरियड के लिए अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट हो रहा है तो कितने पीरियड के लिए होगा एक साल तक के लिए होगा ठीक है तो यहां तक तो बात समझ में आई होप सेक्शन वन क्लियर हुआ होगा फिर सब सेक्शन टू कहता है प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन मे बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अंडर जो प्रोसीडिंग्स है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जा सकते हैं वेन इधर द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहडेड जहाँ पर ब्रीच ऑफ पीस या फिर डिस्टर्बेंस हुआ है इज विद इन लोकल जूरिस्टिक्शन एक तो बात आ गई कि उसके लोकल जूरिस्टिक्शन में हुआ ठीक है और देर इज विद इन सच जूरिस्डिक्शन अ पर्सन लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैक्वालिटी और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट एज अफोर्सेड बियॉन्ड सच यूरिस्डिक्शन और अगर उसके यूरिस्डिक्शन के बाहर है तो भी जो है प्रोसीडिंग्स इस सेक्शन के अंडर एक जो एग्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं ठीक है तो उसकी जो रिजेक्शन में है तो भी और अगर बियड उसकी जो रिजेक्शन है तो भी ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेक्शन हंड्रेड एंड सेवन के इस बारे में बात करता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा थैंक यू सो so मच